दोस्तों, यदि आप एक ऐसे यूजर है जो अभी भी लैपटॉप कंप्यूटर सीख रहे हैं और आपको लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर एक्सटेंशन ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे, क्या है तरीका एक्सटेंशन ऐड करने का, रिमूव करने का, कौन सा फंक्शन फीचर यूज करें, तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक डायरेक्टरी। तो कोई भी आप एक्सटेंशन ऐड या रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सटेंशन को ऐड करना बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डॉट पर जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशन का, हम इस पर कर्सर ले जाएंगे, मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस जगह आ जाएंगे जहाँ पर काफ़ी सारे एक्सटेंशन होंगे। जी, ये सभी गूगल क्रोम के एक्सटेंशन हैं जो फ्री हैं। आप एडवांस फंक्शन फीचर लेंगे तो इसमें कुछ चार्ज देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी हैं, किस कैटेगरी का आपको एक्सटेंशन चाहिए, किस कैटेगरी के एक्सटेंशन चाहिए, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम जाएंगे एजुकेशन में, आपके पास ये सारे एजुकेशन रिलेटेड एक्सटेंशन हैं। तो कोई भी एक्सटेंशन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने ऐड टू क्रोम पर जाएंगे और ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है एंड इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पर हो चुका है ना, एंड यहाँ पर हमारा ये एक्सटेंशन ऐड हो गया है। ये देखिए यहाँ पर शो भी होने लगा, ये देखिए ना। तो आप यहाँ पर इस तरह एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर एक्सटेंशन शो नहीं हो तो आप इस पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी आप एक्सटेंशन ऐड किया है उसे पिन कर लेंगे। ये देखिए ये आने लगा है ना, ये देखिए। तो इस तरीके से एक्सटेंशन ऐड करते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर। अगर आपको हटाना है या रिमूव करना है तो इसके लिए फिर से आप 3 डॉट में जाएंगे और यहाँ पर है एक्सटेंशन मैनेज एक्सटेंशन। यहाँ पर क्या हटाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से इस वाले एक्सटेंशन को रिमूव करना, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड रिमूव कर देंगे। अगर आपको डिसेबल करना है, यहाँ शो नहीं कराना, तो आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे डिसेबल कर दूंगा, ये देखिए डिसेबल भी हो जाएगा। रिमूव करना है डिसेबल करना है ये आप पर डिपेंड करता है ना। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।